नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल हेल्थ ट्यूटोरियल्स में। बहुत दिनों बाद आपको वीडियो देखने को मिल रही है, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि थोड़ा बिजी हो गया था। अब से आपको रेगुलर हेल्थ के रिलेटेड नए नए वीडियो बड़े सिंपल कंसेप्ट में मिलते रहेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है और एक नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मतलब एक तरह का रिएक्टिव प्रोटीन है जो कि हमारा जो लीवर है इसको बनाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये क्यों बनता है। तो देखिए, हमारे शरीर में जब भी किसी टाइप का इन्फेक्शन या किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन हो जाती है, शरीर के किसी भाग पर सूजन हो जाती है, तो उस समय जो लीवर जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करता है। तो उस समय अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल है वो ज्यादा आता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन कौन कौन सी बीमारियों में ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब कि हिंदी में से कहते हैं गठिया रोग, ठीक है, तो गठिया रोग में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज्यादा बताता है। अगर किसी पेशेंट को क्रॉन्स डिजीज, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पेट में साले हो जाना, का मैंने एक वीडियो बनाया है तो वो आप देख सकते हैं, तो उस बीमारी में भी अगर आपका ब्लड टेस्ट करवाते हो तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा बताता है। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट को टीबी की प्रॉब्लम है या उसके शरीर में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है या उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके ब्लड में भी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा बताएगा। अगर कोई महिला ओरल कंट्रासेप्टिव पिल खा रही है, मतलब कि गर्भावस्था को रोकने की अगर कोई पिल खा रही है, तो उसके ब्लड में भी सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां थी जिसमें आपके ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो टेस्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक बीमारी को कंफर्म नहीं करता है। ये एक तरह का आपके शरीर में ऐसे जान सकते हैं कि एक किसी टाइप के इन्फेक्शन हो गया है, उसका पता लगाने के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। किसी बीमारी को स्पेसिफिक ये पता नहीं लगाता है, उसके लिए आपको और भी इसके फॉलोअप कन्फर्मेटिव टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल कितना होना चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट जिसके शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल 1 मिलीग्राम से पर लीटर से कम आ रहा है तो उसको किसी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं है, और अगर किसी पेशेंट के शरीर में 1 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम के पर लीटर के बीच में आ रहा है सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल, तो वो इंटरमीडिएट अवस्था में, मतलब कि वो किनारे पर है, उसको फ्यूचर में किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर किसी पेशेंट के शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है तो उसको कोई न कोई बीमारी हो सकती है, किसी न किसी टाइप की उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसके लिए फॉलोअप कन्फर्मेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंटों में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बताता है तो उसको वो मतलब कि हाई रिस्क पर है, उसको किसी न किसी टाइप की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या किसी किसी टाइप की टीबी या उसको क्रॉन्स डिजीज है या उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। ठीक है, और उसको अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज्यादा बता रहा है 10 मिलीग्राम से भी, तो उसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट के शरीर में जो हार्ट है उसकी आर्टरी में सूजन हो आ जाती है तो उसके ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा बताता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब एक ही है कि अगर किसी पेशेंट के शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल ज्यादा बता रहा है तो उसके शरीर के किसी न किसी पार्ट में सूजन आई हुई है, किसी किसी पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन कोई स्पेसिफिक डिजीज को कंफर्म नहीं करता है, उसके लिए आपको और भी फॉलोअप टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हेल्थ के रिलेटेड नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।